मेरे ख्याल से शुरू करते हैं सेशन अब। अच्छा, ये बेसिकली सेशन है, एफसीपीएस पार्ट वन का इंट्रोडक्टरी सेशन है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हमने डिफरेंट जगह पे पोस्ट की थी चीजें और हमें जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हमने वो एक जगह इकट्ठे करके इसलिए इंट्रोडक्टरी सेशन रख रहे हैं, ताकि जो आपके क्वेश्चंस आपके जहन में होते हैं जब आप एफसीपीएस पार्ट वन की तैयारी शुरू करते हैं या ऑप्ट करते हैं इस चीज के लिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आपके जहन में ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहली चीज तो जो हमारे जहन में आती है वो ये है कि व्हेन इज वन एलिजिबल फॉर एफसीपीएस पार्ट वन। जब आपने एमबीबीएस या बीडीएस कर लिया, उसके बाद एक साल की हाउस जॉब कर ली, तो आपके पास परमानेंट आरएमपी आती है। ठीक है, जो परमानेंट होती है ना आपकी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पीएमडीसी, वो लाजमी है एफसीपीएस पार्ट वन में अपेयर होने के लिए, और वो मिलती है आपको तब है जब आपने हाउस जॉब कंप्लीट कर ली होती है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि कुछ लोग हैं जो हाउस जॉब के दौरान अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, या हाउस जॉब एंड हो और अप्लाई कर रहे, तो उसमें जो आपकी सीपीएसपी है उसने जो रूल रखा हुआ है वो ये है कि जब आपकी हाउस जॉब चल रही होती है, ठीक है, अगर आपकी हाउस जॉब की लास्ट डेट एग्जाम डेट से 1 महीना पहले है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है। अच्छा, तो अब बेसिकली अगर आप हाउस जॉब एंड होने से पहले अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी। एक तो आपको चाहिए होगा प्रोफेशनल हाउस जॉब सर्टिफिकेट फ्रॉम द एमएस। ठीक है, एमएस से आपको एक प्रोफेशनल हाउस जॉब सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिस पे लिखा होगा कि आपकी हाउस जॉब जल्दी एंड हो रही है, इस डेट को एंड हो रही है। ठीक है, और जिस डेट को एंड हो रही है उस लिहाज से आपने अप्लाई कर दिया, और साथ ही साथ आप अपनी प्रोफेशनल आरएमपी पे ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे, तो बाद में आपको जब रिजेक्शन लग के आएगी तो आप उसमें अपनी जो परमानेंट आरएमपी है वो अपलोड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो पूछी जाती है वो है कि व्हाट आर द स्पेशलिटीज वन कैन अपेयर इन इन एफसीपीएस पार्ट वन। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक सर्जरी में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको सर्जरी का देना पड़ेगा। डर्मेटोलॉजी में जाना चाहते हैं, उनको मेडिसिन का देना पड़ेगा। पीड्स में जाना चाहते हैं तो उनको भी मेडिसिन का देना पड़ेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस स्पेशलिटी में आप जाना चाह रहे हैं उसका कोई अलहदा से तो नहीं है एफसीबीएस पार्ट वन जो आपने देना है, क्योंकि कई दफा, एक आध दफा मैंने सुना है कि ब्लंडर हुआ है कि लोग कम्युनिटी मेडिसिन में जाना चाहते थे और उन्होंने मेडिसिन एंड एलाइड का दे दिया, क्योंकि मेडिसिन उनको मैच कर लग रहा था कि शायद मेडिसिन एंड एलाइड में ही आता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेशलिटीज हैं जिसमें आप अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मेडिसिन एंड एलाइड में हो सकते हैं, सर्जरी एंड एलाइड में हो सकते हैं, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में हो सकते हैं, ईएनटी के लिए अलहदा पेपर है, आई के लिए अलहदा पेपर है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी रेडियो के लिए अलहदा पेपर है, पैथो के लिए अलहदा है, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, कम्युनिटी मेडिसिन और डेंटिस्ट्री, ये फील्ड्स हैं जो स्पेशलिटीज हैं जो सीपीएसपी ऑफर करती है, जिसमें अपने एफसीपीएस पार्ट वन में अपेयर होना है, क्लियर करना है और फिर आगे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच सिटीज द एग्जाम इज कंडक्टेड। अब बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम कंडक्ट कहाँ पे हो रहा है। सिंध में, कराची और हैदराबाद में हो रहा है, ठीक है, पंजाब में मुल्तान और लाहौर में, ठीक है, फेडरल में इस्लामाबाद में, ठीक है, बलूचिस्तान में कोयटा में, और केपीके में पेशावर में कंडक्ट हो रहा है। इस टाइम सितंबर अटेम्प्ट में उन्होंने फैसलाबाद को इंक्लूड नहीं किया, पिछली अटेम्प्ट में फैसलाबाद भी इंक्लूडेड था। अच्छा, अगली चीज पूछी जाती है कि पैटर्न क्या है एफसीपीएस पार्ट वन का। देखिए, एफसीपीएस पार्ट वन के बेसिकली दो पेपर्स होते हैं, ठीक है, पेपर वन होता है और पेपर टू होता है। अब पेपर वन और पेपर टू में दोनों में मिला के 200 एमसीक्यूज होते हैं, मतलब कि एक पेपर में आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं,
और टोटल जो टाइम आपको मिलता है वो है 4 घंटे का, 2 आवर्स फॉर ईच पेपर, मतलब कि 100 MCQs के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर 1 के, और 100 MCQs के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर 2 के, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं बेसिक्स ऑफ द एग्जाम। ये वही वाली बात है कि 2 पेपर हैं, 2 घंटे हर पेपर के लिए, बीच में 30 मिनट्स की ब्रेक होती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप पेपर 1 में जाते हैं, ठीक है, और एग्जाम आपने शुरू की है, ठीक है, फर्ज करके आपका एग्जाम खत्म हो गया 1 घंटे से पहले, तो आप नहीं उठ के जा सकते, कम अज कम 1 घंटा आपको एग्जाम के अंदर बैठना पड़ेगा और फिर आप लीव कर सकते हैं हॉल को। लेकिन पेपर 2 जो डेजिग्नेटेड टाइम है, जो CPSP ने आपको बताया हुआ है, उसी पे शुरू होगा। बेशक आप पहले पेपर 1 खत्म करके बाहर आ गए और वापस आप जाना चाहते हैं कि पेपर 2 शुरू कर दें, आप पेपर 2 शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। जो बीच में हाफ आवर की ब्रेक होती है उसमें रिफ्रेशमेंट वगैरह होती है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हाफ आवर की ब्रेक है उसमें आपने कुछ डिस्कस नहीं करना पेपर 1 के बारे में, क्योंकि उसमें बंदा कंफ्यूज हो सकता है। उस वक्त आपने सिर्फ फोकस ये करना है कि आप पेपर देने आए हैं, ठीक है, आप एग्जाम जो है उसको कॉन्फिडेंटली उसमें अपेयर हो, ठीक है, और किसी से कोई चीज़ डिस्कस ना करें उस टाइम पे। वो कोई टाइम नहीं, वो उस टाइम पे डिस्कस करने से ना आपके MCQs ठीक होंगे ना आपके MCQs गलत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जरूर शैटर हो सकता है अगर कोई आपके MCQs किसी और के साथ डिस्कशन में मैच ना कर ले, ठीक है। और जब आप पेपर 2 देने जाएंगे तो पेपर 2 आपका जब भी खत्म होगा तो आप इजिली उठ के जा सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट तो इशू नहीं आता FCPS पार्ट 1 में। अब FCPS पार्ट 1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो MCQs होते हैं उनकी बहुत छोटी स्टेम्स होती है, ज़्यादातर छोटी स्टेम्स होती हैं और टू द पॉइंट ऑप्शन होती हैं, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का कोई इतना इशू नहीं बनता। ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में करके पेपर बाहर होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं होता। इसलिए जौन सा भी आपके सामने MCQ आता है, ठीक है, अपना दिमाग खुला रख के, ठीक है, प्रॉपर कंसंट्रेट करके आपने जल्दी नहीं करनी, ठीक है, हर MCQ को उसका ड्यू टाइम देना है। कुछ MCQs होते हैं जो ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, ऑब्वियसली उसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है आपको, जो है ऑप्शन जो है उनको रूल आउट करना पड़ता है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट कोई इशू नहीं है, आपने इत्मीनान और सुकून से पेपर करना। अच्छा, अब MCQ क्या होता है? MCQ के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, ये सबको पता है, स्टेम होती है, ऑप्शंस होती है। अब स्टेम जो है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ज़्यादातर जो स्टेम होती है वो छोटी ही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं होता। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेम में से आपने बस वर्ड पिक करके फटाफट ऑप्शंस की तरफ जाना है, और जो आपके जहन में पहली चीज़ क्लिक करती है उसको आपने चूज कर लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑप्शंस में आपने बेस्ट ऑप्शन चूज करनी होती है, जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है। हो सकता है कि जो आप चीज़ ढूंढ रहे हो वो उस उन ऑप्शंस में अवेलेबल ना हो, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस उन्होंने प्रोवाइड की हों उसके लिहाज से आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस ऑप्शन को प्रेफर करना है दूसरी ऑप्शन पर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हाउ टू अटेम्प्ट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आपने MCQ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, स्टेम जो होती है वो बहुत गौर से पढ़नी है आपने, ठीक है, और ये मेक श्योर करना है कि आखिर वो पूछ क्या रहे हैं उस स्टेम के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा वो MCQ मार्क करके सबमिट कर दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली आपने स्टेम को बहुत गौर से पढ़ना है। एक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो FCPS पार्ट 1 में होती हैं जो यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन 100% वो ऑथेंटिक नहीं है, कि जो ग्रामेटिकल एरर जहाँ पे आ रहा होता है ना, ज़्यादातर जो है वो ऑप्शन गलत ही होती है जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आ गया हो, ठीक है। तो आपने स्टेम को बहुत क्लोजली जो है वो रीड करना है, ठीक है, और इस तरह के वर्ड्स जैसे होते हैं ना, एक्सेप्ट आ जाता है कि फॉल्स आ जाता है, कि नॉट ट्रू आ जाता है या इनकरेक्ट आ जाता है अगर स्टेम के अंदर, तो वो आपने बहुत ध्यान से गौर से पढ़ना है,
क्योंकि अगर आप वो स्किप करके कोई और ऑप्शन चूज कर लेते हो ऑब्वियसली आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा और आप फिर उसको चेंज भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर सिनेरियो लंबा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो बेस्ट टेक्निक है मेरे लिहाज से वो ये होती है कि सबसे पहले आप ऑप्शंस पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको ये पता हो कि आपने उसमें से चूज कौन सी ऑप्शंस हैं जिनमें से आपने चूज करना होगा, और आप फिर ऑप्शंस को ओरिएंट करके अपने दिमाग में उस टेम्पो को पढ़ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप ऑप्शंस पढ़ लें तो पहले आप एंड ऑफ द स्टेम पढ़ें अगर एक लंबी स्टेम है, ठीक है, और उसके बाद आप बाकी स्टेम पढ़ेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको जो नैरो डाउन करना होता है ना चीज़ों को, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है ना, ठीक है, FCPA स्मार्टफोन में स्पेशली फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो है वो 80% ऑफ द टाइम बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा होता है जब आप पेपर के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। तो 80% ऑफ द टाइम आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट ठीक होती है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि एक स्पेसिफिक ऑप्शन ठीक है एक MCQ की, तो आपने जल्दी से उस MCQ की ऑप्शन को ठीक नहीं कर देना। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सारी की सारी ऑप्शंस लाजमी पढ़नी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि CPSP आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपने बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो प्रेफरेंस आपको पता होना चाहिए आपने किसको किस ऑप्शन को किस ऑप्शन पे देना है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपको उसका आंसर आता भी है, आपने ऑप्शन आपको लग रहा है कि यही वाली ऑप्शन है, आपने बाकी ऑप्शन जरूर देखनी है कि कहीं कोई उससे बेहतर ऑप्शन तो नहीं है जो मैं सिलेक्ट कर सकूं इस मामले में, ठीक है। इसके अलावा आपको रूल आउट करनी चाहिए ऑप्शंस कि फॉर एग्जांपल अगर एक जैसी ऑप्शंस हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑप्शन है कि जी फला चीज एसिडिफाई कर रही है यूरिन को, ठीक है, और एक ऑप्शन है कि फला चीज पीएच कम कर रही है यूरिन का, तो ये तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो साइड पे हो गई, दो ऑप्शन तो ठीक नहीं ना हो सकती, तो ये एक चीज है जो ज़हन में रखनी है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मल्टीपल बुक्स हैं जो रिकॉल हैं CPSP की। अब रिकॉल का मतलब ही ये होता है कि एक इंसान एग्जाम के अंदर बैठा है, वो घर आया है, उसने सोचा है कि उसको पेपर में क्या आया था और उसने वो फेसबुक पे लिख दिया और उसको इकट्ठा करके बुक्स बन गई, जो कि तैयारी के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला वहां पे आता है कि जब आपने तैयारी की होती है उन मल्टीपल बुक्स से, आपके जहन में होता है कि मैंने यही ऑप्शन और यही स्टेम ढूंढनी है पेपर के अंदर जाके, फिर मसला क्रिएट होता है, क्योंकि CPSP जो है वो ट्विस्ट कर रहा होता है या स्टेम को या ऑप्शंस को, और जब वो स्टेम को ट्विस्ट करता है तब इशू क्रिएट होता है। तो इसीलिए आपने कभी भी इस इंस्टिंक्ट में कभी भी नहीं जाना कि मैंने ये पढ़ा था तो यही है, आपने ये जरूर देखना है कि कुछ और डिफरेंट चीज तो नहीं आई हुई। यही बेसिक रीजन है मेरे ख्याल से फेल होने का कि लोग जो हैं जो उन्होंने एग्जैक्ट चीज रूट लर्न की होती है वही उठा के आगे वो सोच रहे होते हैं कि आएगी और वो उसी को ठीक कराते हैं, हालांकि वो गलत होती है। तो आपने अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेनी है, ठीक है, लेकिन आपने वो चेंज भी देखनी है कि अगर है स्टेम में या ऑप्शन में, तो उसको अपने बैक ऑफ द माइंड जरूर रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ MCQs में जो आपने याद रखनी है ना, वो ये है कि फर्ज करें कि आपका पेपर बहुत मुश्किल आ रहा है, आपके लिहाज से आपको लग रहा है कि ये तो पेपर बहुत मुश्किल है, मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर सका, फिर भी जो आपके पास नया MCQ आया है ना, वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। उस MCQ को आपने इसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे वो नया MCQ है, पिछले वाला का आपका पेपर अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उन चीज़ों को सबको साइड पे रख के, जो आपको टास्क इन हैंड आपके पास है, ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि CPSP जो है वो ज़्यादातर कॉमन टॉपिक्स को टेस्ट करता है, तो अगर कोई ऑप्शन इस तरह की आती है ना कि आपने उसके बारे में कभी नहीं पढ़ा, तैयारी आपने अगर अच्छी की हो और अगर आपने उस ऑप्शन या MCQ के बारे में कभी पढ़ा ना हो सुना ना हो, ठीक है, तो ज़्यादातर यही होता है कि इस तरह की ऑप्शन जो होती है जो आउट ऑफ द ब्लू आती है वो गलत ही होती है। MBBS में उल्टा हिसाब होता था, MBBS में बंदा ये सोच रहा होता है कि यार ये चीज़ जो है ना
ठीक है, ये इसने किसी और डिफरेंट बुक से उठाई है, ठीक है, तो ये जो है यही होना ठीक। लेकिन एफसीपीएस में थोड़ा सा हिसाब उल्टा होता है मेरे हिसाब से, जो चीज एक आउट ऑफ द ब्लू आ रही है एफसीपीएस के एग्जाम के अंदर वो ज्यादातर गलत ही होती है, क्योंकि सीपीएस की जो है वो बहुत कॉमन टॉपिक्स को टेस्ट कर रहा होता है। अच्छा, एक और चीज बहुत कॉमन है कि जो कभी कभी इस तरह होता है कि एमसीक्यूज जो है ना, एक ही एमसीक्यू वो पेपर में आपके दो तीन दफा रिपीट हो जाते हैं। तो अगर तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने ठीक किया है, तो फिर आप उसी ऑप्शन को आगे चलाएं। अगर वो दो दफा पेयर हो गया, दोनों दफा वही ऑप्शन करें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं थे उस बारे में, आपको लग रहा है कि नहीं इसकी दूसरी ऑप्शन भी हो सकती है, तो फिर ऑब्वियसली आप जब दूसरी बारी वो आएगा अगर आ जाता है, तो आपने दूसरी ऑप्शन चूज करी है ताकि आपके चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो उसको ठीक करने के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इज पेपर वन ऑफ ऑल स्पेशलिटीज सेम? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना पेपर वन होता है और पेपर टू होता है। अब पेपर वन जो है वो सेम नहीं होता, सिमिलर जरूर होता है, ठीक है। कुछ स्पेशलिटीज का सुनने में आता है कि एक ही पेपर हो जाता है पेपर वन और आगे वो पेपर टू डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन सेम जो है वो बहुत रेयर है, सिमिलर होता है, मतलब कि उनमें सारी चीजें वही पूछी जाएगी, एनाटॉमी पूछी जाएगी, फिजियो पूछी जाएगी, पैथो पूछी जाएगी, बायोकेम पूछी जाएगी, आपकी जो बेसिक्स है वो सारी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो सिमिलर होता है, सेम नहीं होता ज्यादातर। अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेरी थी कि डू वी नीड टू पास पेपर वन एंड पेपर टू सेपरेटली? पेपर वन और पेपर टू आपने सेपरेटली पास नहीं करना, इकट्ठा पास करना है, कंबाइंड पास करना है। मतलब कि आपके पास 200 MCQs हैं, 200 में से आपने 150 MCQs ठीक करने हैं, 75% MCQs आपने ठीक करने हैं, इकट्ठा पास करना है। अगर आपका पेपर वन बुरा हो गया, पेपर टू बहुत अच्छा हो गया, तो आप पास हो सकते हैं। अगर आपका पेपर वन जो है वो बहुत अच्छा हो गया, पेपर टू बुरा हो गया, फिर भी आप पास हो सकते हैं, क्योंकि आपने कंबाइंड पास करना है। अच्छा, When is the result announced? अच्छा, अब जो CPSP कहती है, ठीक है, CPSP कहती है कि 7 से 10 दिनों के अंदर रिजल्ट अनाउंस हम कर देते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो है वो विद इन 1 वीक आ जाता है आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम 2 से 3 दिन चलता है, वो डिपेंड करता है कितने लोगों ने एनरोल किया। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी वाली शिफ्ट जो है वो बेहतर होती है पास होने के लिए, मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट, या फिर कौन सी शिफ्ट जो है आप अपनी मर्जी से रखवाते हैं? नहीं, वो सीपीएसपी रैंडमली चूज करता है अपने कैंडिडेट्स के लिहाज से कि आपकी कौन सी शिफ्ट आएगी। और ये भी कोई फैक्ट नहीं है कि आप एक शिफ्ट में अपेयर हो रहे हैं तो आपके पास होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये सब मिथ्स हैं। जो रिजल्ट आपका आता है वो वेबसाइट पे भी आ जाता है सीपीएसपी की, नोटिस बोर्ड पे भी लग जाता है, व्हाट्सएप पे भी अक्सर सर्कुलेट हो जाता है, फेसबुक ग्रुप्स पे भी आ जाता है, और साथ ही साथ सीपीएसपी पोर्टल पे भी आ जाता है, और आपको ईमेल भी आ जाती है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जब आपका रिजल्ट आता है, अक्सर लोग घबराए होते हैं जब रिजल्ट आता है, वो पास भी कर चुके होते हैं, उनको उस लिस्ट में नाम नजर आता है, लेकिन सीपीएसई पोर्टल पे उनका रिजल्ट की इंटीमेशन नहीं आई होती कि वो पास है, तो वो घबरा जाते हैं कि शायद फेल तो नहीं हो गए। वो घबराने वाली बात नहीं है, सीपीएसई आहिस्ता आहिस्ता अपने पोर्टल को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो 1-2 दिनों तक वो आ जाता है, अपडेट हो जाता है। उसके बाद व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज ऑफ एफसीपीएस पार्ट वन? अच्छा, अब ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज है। सीपीएसपी जो स्टेट करती है, जो उनको पूछा भी गया है, उनसे बार बार ईमेल्स भी किए हैं, उनको कांटेक्ट भी किया गया डिफरेंट सोर्सेस से, देखिए सीपीएसपी यही कहती है कि 75% एमसीक्यूज अगर आपने ठीक कर लिए, 150 एमसीक्यूज आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 200 आपने ठीक कर लिए, तो आप जो है वो पास हो जाएंगे। ये सीपीएसपी ये क्लेम करती है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब जाहिर बात है कि वो तो पॉइंट्स में आते हैं जो आपका रिजल्ट आता है, खुदा ना खास्ता कोई फेल होता है तो वो भी पॉइंट्स की वजह से हो सकता है कि फेल हुआ हो। अब ये एक बहुत बड़ा ही कन्फ्यूजन है, सीपीएसपी जो है वो यही क्लेम करती है कि 150 आउट ऑफ 200 आपने ठीक कर लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सीपीएसपी ने एक डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में वो पास करने होते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों में आप बिल्कुल ना पढ़ें, अपनी तैयारी पर क्या कहते हैं ट्रस्ट करें, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें, ठीक है, नमाज कायम करें, ठीक है, और अल्लाह इंशाल्लाह जो आपके हक में बेहतरीन होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये इन चीजों में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, बस ये सोचें कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपने अपना बेस्ट जो है वो परफॉर्मेंस वहां पे देके आनी है। एटलीस्ट 150 MCQs तो आप ठीक करके ही आए, ठीक है, ये सोच के जाने आपने। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, व्हाट यू शुड डू व्हाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ये वही वाली बात है कि आपने जब रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, डिस्कशंस में बिल्कुल ना पड़े, इंजॉय करें वो टाइम और दुआ करें, ठीक है, अल्लाह ताला की जात से नमाज पढ़ें, ठीक है, अपने बड़ों से कहें कि वो आपके लिए आपको दुआओं में याद रखें। और यही इंपॉर्टेंट चीज है, देखें FCPS पार्ट वन कहते हैं कि, और सही भी कहते हैं कि लक जो है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है इसमें, और साथ ही साथ देखें लक जो है आपकी डेस्टिनी है जो वो डिफाइन होती है, वो अल्लाह ताला की जात आपके लिए वो डिफाइन करती है, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपकी लक, सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अगर आप जितना आपका रिलेशन आप अल्लाह ताला की जात के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा इजी और उतना ज्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आप जाएंगे एग्जाम देने, एग्जाम के बाद रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे, ठीक है, और जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो साथ ही साथ आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें। वॉट एवर द केस, पास होते हैं, फेल होते हैं, अल्लाह ताला ने उसमें जो आपके लिए लिखा है वो बेहतरीन है आपके लिए। अच्छा, एक और क्वेरी जो पूछी गई है वो ये है कि एडमिट कार्ड कब तक मिल जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। एडमिट कार्ड जो है ना वो नॉर्मली एक हफ्ता पहले जो आपने एप्लीकेशन के अंदर लिखा होता है एड्रेस उस पे आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन पे आपने एड्रेस लिखा है उस पे आ जाता है, अक्सर ये होता है कि वो नहीं आता। जब वो नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, आपने ईमेल भेजनी है CPSP को, और CPSP बहुत प्रॉम्प्टली रिप्लाई करता है ईमेल्स का, बहुत अच्छा सिस्टम है उनका ये वाला कि बहुत जल्दी रिप्लाई करता है, ठीक है। और दूसरा काम आप ये करेंगे कि उनको फोन करेंगे, ठीक है, और मंगवाएंगे। अगर फिर भी नहीं आता फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चेक करनी है ईमेल, ईमेल में आपको लाजमी आया होगा, ईमेल वाला प्रिंट करके ले जाएं, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड का आपने घबराना नहीं है, आगे बस ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज पूछी जाती है, व्हाट टू टेक टू द एग्जाम सेंटर। देखें इसमें आपने एक तो एडमिट कार्ड अपना लेके जाना है, एक आपने आईडी कार्ड लेके जाना है। आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्ज करें कि अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं आए तो हो सकता है उस आईडी कार्ड की बेस पे आपको वो एग्जाम में बैठने, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से, पैनाडॉल। ये पैनाडॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अब नॉर्मली लोगों को ये आदत नहीं होती कि वो स्क्रीन की तरफ देखते रहे, ठीक है। अब उसकी वजह से जब उन्होंने 4 घंटे स्क्रीन की तरफ देखना है, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखना है, एग्जाम स्ट्रेस अलहदा होता है, ठीक है, और इतनी देर बैठना, ठीक है, तो वो एक फटीक वाला आलम बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेनाडॉल लेके जाए, प्रोफाइलेक्टिक के लिए भी पेनाडॉल ले पेनाडॉल एक्स्ट्रा ले जाए। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो ये है, वॉट टू डू बिफोर द एग्जाम ऑन एग्जाम डे। देखें सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज इस मामले में क्या है कि आपको अपने सेंटर के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सेंटर कौन सा है, कहाँ पे आपका सेंटर, घर से कितना दूर है जहां पे आप रह रहे हैं, कम्यूट में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टाइम पे आपने निकलना है वो रश आवर तो नहीं है। तो आपने बेसिकली घर से इस हिसाब से निकलना है कि आप 20 मिनट पहले पहुंच रहे हो सेंटर पे। एग्जाम से पहले जो रात है उस दिन आपने अपनी नींद पूरी करके उठना है, उस टाइम पे कुछ ज्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं हो जाता। वो टाइम होता है कि जितना आप रिलैक्स होंगे उतना आपका बैकग्राउंड नॉलेज जो है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी। डेंटिस्ट्री वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में आंसर करता हूँ, मुझे आपने याद कराना है एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। अच्छा, तो आपने बेसिकली एग्जाम से पहले एक तो आपको पता होना चाहिए सेंटर कहाँ पे है, आपने घर से टाइम से निकलना है, कॉन्फिडेंटली जाना है, रात को पूरे नींद करके जाना है। इसके अलावा आपने जब पहुंचना है सेंटर पे तो कुछ भी डिस्कस नहीं करना उस टाइम पे, ठीक है, कुछ भी डिस्कस नहीं करना, बस वहां पे जाएं, अपनी जो आपकी दुआ है, ठीक है, वो पढ़े, ठीक है, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़े, जो भी आपके एक रूटीन बनी होती है एग्जाम से पहले उसको आपने ब्रेक नहीं करना, ठीक है।
कुछ डिस्कस नहीं करना, आपने सिर्फ सेंटर पे जाना है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, आप इधर भी पेनाडोल प्रोफाइलेक्टिकली पहले ले लें एग्जाम में जाने से पहले, और इम्पोर्टेंट चीज मेरे ख्याल से ये है कि आपने वॉशरूम जरूर यूज करना है उस टाइम पे, क्योंकि एक दफा जब आप एंटर हो जाएंगे इन द एग्जाम हॉल तो फिर आपको वॉशरूम का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है लेकिन वॉशरूम अवेलेबल नहीं है वहां पे, वो फिर आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आपके पेपर वन और पेपर टू के बीच में ब्रेक होगी। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिक थिंग्स अबाउट द ऑनलाइन एग्जाम यू शुड नो। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेरी थी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम है तो घर बैठ के तो नहीं होना, ऑनलाइन एग्जाम उनके सेंटर में जाके होने, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अब ऑनलाइन एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है ना, वो ये है कि आपने जब ऑप्शन एक सिलेक्ट कर ली और सबमिट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है, ऑप्शन सिलेक्ट कर ली, सबमिट का बटन प्रेस कर दिया, उसके बाद वो ऑप्शन जो है वो आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद वो ऑप्शन नहीं आएगी, सबमिट कर दिया तो वो एमसीक्यू आपके पास अपेयर होगा ही नहीं। जो एमसीक्यू आपने सबमिट कर दिया वो खत्म है उसके बाद। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपने स्किप कर दिया तो वो दूसरे राउंड में आ जाएगा। मतलब कि एक एमसीक्यू मैक्सिमम आपके पास दो दफा आएगा अगर आप उसको पहली दफा स्किप करते हैं। अगर आप उसको अटेम्प्ट करके आगे जा रहे हैं तो फिर ना आप उसको चेंज कर सकते हैं, ना आप उसको देख सकते हैं कि आपने क्या किया, क्योंकि सेकेंड राउंड में सिर्फ वही एमसीक्यूज आते हैं जो आपने स्किप किए होते हैं। समझ लगी सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूं हमेशा कि पहले राउंड में आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हुए जाएं। जो कंफ्यूज हो रहे हैं ऑब्वियसली उसको स्किप कर दें, लेकिन पहले राउंड में आराम से तसल्ली से अटेम्प्ट करते हुए जाने। इसीलिए मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कोई इशू नहीं है एफसीबीएस पार्ट वन पे, बहुत खुला टाइम होता है, नहीं कोई चांस नहीं होता कि आप रीचेक कर सके आंसर्स, आप नहीं रीचेक कर सकते आंसर्स। अच्छा, अगली चीज जो पूछी जाती है वो है कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं। देखें, अब अगर आपका कंप्यूटर हो गया स्टक, ठीक है, या आपका कंप्यूटर हो सकता है क्रैश भी हो गया हो, ठीक है, तो घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराने वाली इसमें बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम का मकसद ही ये है कि आपका जो एग्जाम है, जो आपका रिस्पॉन्स है, जो आपने एग्जाम में रिस्पॉन्स दिया हुआ है, एमसीक्यूज मार्क किए हुए हैं, वो बैक एंड पे सेव हो रहे हैं, ऑलरेडी खुद ही सेव हो रहे हैं, तो आपको वो घबराने की जरूरत नहीं है अगर कंप्यूटर क्रैश भी हो गया, ठीक है। लेकिन स्टक हो गया तो आपने खुद से कोई बटन नहीं प्रेस करना, कोई आपने कर्सर नहीं यूज करना, कहीं क्लिक नहीं करना, आराम से अपना हाथ रेस करें, प्रॉक्टर को बुलाएं, प्रॉक्टर जो कहता है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ठीक है। मैं फिर से ये रिपीट कर दूं कि अगर कोई कंप्यूटर रिलेटेड इशू आपके साथ आ जाता है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बंदा एकदम जब पैनिक करता है तो उसके बाद अगले 5-7 एमसीक्यू तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जो है वो सेव हो रहा है बैकएंड पे। अच्छा, एक और चीज बहुत कॉमनली पूछी गई है कि इज अ सर्टन अटेम्प्ट डिफिकल्ट, ठीक है, कि मतलब मुझे अभी पिछले दिनों कोई पूछ रहा था कि अहमद भाई मैं अब सितंबर वाली अटेम्प्ट दूं कि नवंबर वाली अटेम्प्ट दूं, क्योंकि मैंने सुना है कि नवंबर वाली आसान आती है। ये सब मिथ्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, सारी अटेम्प्ट्स बराबर हैं, ठीक है। आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो कोई भी अटेम्प्ट आपको मुश्किल नहीं लगेगी, और हम मेड एग्जाम एक्सपर्ट और स्टडी मेट की कोलैबोरेशन से जो कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि आपको हम लोग एग्जाम के लिए इतना अडेप्ट कर दें, इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, आपकी बेसिक्स इतनी स्ट्रेंथन कर दें कि आपको उधर जाके अगर कोई नई चीज़ लगती भी है तो वो बहुत कम चीज़ें इस तरह की हो जो आपको नहीं लगी, ज़्यादातर चीज़ें आपके बैकग्राउंड नॉलेज और आपके नज़र से गुजरी हो जिससे आपको एग्जाम क्लियर करना आसान हो, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी टू द पॉइंट अच्छी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई अटेम्प्ट डिफिकल्ट नहीं होती ऐसे, ठीक है।
अच्छा उसके बाद चलते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम अ पर्सन रिक्वायर्स टू पास दिस एग्जाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर बंदा ये पूछ रहा होता है कि कितना टाइम चाहिए तैयारी के लिए। देखिए इसमें आती हैं दो चीजें, एक तो चीज ये है कि जो स्पेशली हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, फॉरेन ग्रेजुएट्स, उनकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उनका कि उन्होंने फर्स्ट एड पढ़ी होती है, उनको कंपैरेटिवली कम टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपने इस एग्जाम के लिए जाना है ना, तो कम से कम 3 महीने, 3 महीने की अच्छी डेडिकेटेड तैयारी मस्ट है इस एग्जाम के लिए। क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि आपने, जाहिर बात है सारे लोग मेडिकल ऑफिसर ज्यादातर लगे होते हैं, जॉब्स डिफरेंट जगह पे कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की अपनी एंगेजमेंट्स होती हैं, ठीक है, इवन कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो लेट एफसीपीएस एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो शादीशुदा भी होते हैं, ठीक है, मल्टीपल एंगेजमेंट्स होती हैं। तो इसीलिए 3 महीने तो मस्ट है, और वो 3 महीने डेडिकेटेड 3 महीने, मतलब कि रोज से कम 5 से 6 घंटे मिनिमम, असूली तौर पे तो 7-8 घंटे बनते हैं, लेकिन 5 से 6 घंटे तो मिनिमम आप लगाएं इस काम के लिए, ठीक है। क्योंकि आपने जब तैयारी शुरू करनी है ना, एक और चीज आपने जो जेहन में रखनी है ना, वो ये है कि आपने ये डिसाइड करना है आपने कौन सी अटेम्प्ट में अपेयर होना है। अटेम्प्ट में भी आपने अपेयर होने से पहले बस ये देखना है कि जो जौन सी अटेम्प्ट आपके स्टडी स्केड्यूल को मैच कर रही है, आपकी सोशल एक्टिविटीज को मैच कर रही है, आपकी जॉब को मैच कर रही है, ठीक है, और आपके लिए ईज है जिस टाइम फ्रेम में आप उसमें अपेयर हो। प्री मेच्योर अटेम्प्ट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। प्री मेच्योर अटेम्प्ट जो है वो सिर्फ तब देनी चाहिए अगर फर्ज करें कि अगर मैं इस टाइम पे मैंने एफसीबीएस पार्ट वन ना किया होता और मुझे लग रहा है कि ये जून में एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और जुलाई में इंडक्शन है, ठीक है, तो मैं इस बारी में चांस ले लेता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने जुलाई के इंडक्शन में जाना ही नहीं है तो मैं ये चांस जाया नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखनी। तो देखिए ये जून अटेम्प्ट पोस्टपोन और सितंबर वाली बात जो है ना, ये भी बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए जब तक कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं ना आता या हमें अपनी सोर्सेज से नहीं पता चलता, हम तब तक ये चीज गाइड नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। आपको उसी लिहाज से तैयारी अपनी रखनी चाहिए जिस लिहाज से सीपीएसपी ने आपको कह दिया है, ठीक है। अच्छा एक और बहुत, हाउ मेनी चांसेस वी कैन अवेल, साल में आप लोग 3 चांसेस अवेल कर सकते हैं, मल्टीपल चांसेस है, कोई इशू नहीं है ऐसा। अच्छा एक और है, इज इट इजी फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स टू पास दिस एग्जाम एज कंपेयर टू रिपीटर्स। देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिपीटर हैं आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ता है। एग्जाम आपका एक आना है, तैयारी आपने एक करके जानी है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप रिपीटर हैं कि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप वो एग्जाम इजीली पास कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि आपने ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना हम एंड पे रखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा हौसला करें। अच्छा तो बेसिकली अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी अल्लाह ताला की जात पर आपको पूरा भरोसा है, ठीक है, आपने अपने सारे जो हैं जो आपको डिफिकल्ट चीजें लगती थी उन पे आपने ग्रैस्प किया है, स्टडी स्केड्यूल जो आपको बना के दिए गए उनको फॉलो किया है, तो बहुत बहुत कम चांस है कि आप फेल हो। मुझे पता है कि 10-15% है इस टाइम पे पासिंग रेशियो एफसीपीएस पार्ट वन का, और जो हमने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया ना उसकी रीजन भी यही थी कि हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स भी शुरू इसीलिए किया है ताकि ये जो 10-15% है इसको हम लोग इंक्रीज करके 30-40% तो कम से कम लेके जाएं। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में, इस वजह से लोग क्रॉनिक एमओस बन रहे हैं, जो कि बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पेशलिटी केयर जो है ना, स्पेशलाइज्ड केयर जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए पाकिस्तान में, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ वाले भी, ठीक है, हमारे से जूनियर्स भी, वो आगे ज्यादातर स्पेशलिटीज जो है वो अडॉप्ट करें। शुड वन स्टडी देयर ओन स्पेशलिटी पेपर्स
ओनली देयर ओन स्पेशलिटी पेपर्स फॉर प्रिपरेशन. देखिए अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब मैंने आपको पहले बता दिया कि पेपर वन सिमिलर होता है, ठीक है. तो मेरे हिसाब से कम अज कम आपने अपनी स्पेशलिटी के तो करके जाने ही जाने हैं ना सारे, ठीक है. लेकिन साथ ही साथ आपने जो है ना दूसरी स्पेशलिटीज, फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिसिन के लिए जा रहे हैं तो आप सर्जरी के भी लेटेस्ट पेपर्स अगले पिछले 4-5 सालों के 4-5 गोल्डन फाइल्स करके जाएंगे, ठीक है. अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो फिर आप मेडिसिन के भी करके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. गायनी के लिए जा रहे हैं तो गायनी के लिए भी आप सर्जरी के तो साथ करेंगे करेंगे, साथ मेडिसिन के भी एंड एंड वाले करके जाएंगे, ठीक है. आपने अपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी, ठीक है, ताकि आपको ये तसल्ली हो कि मैंने इसमें एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है. तो अल्लाह ताला की मदद भी फिर ही आपके साथ पूरी पूरी होती है. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हाउ मच एमसीक्यूज आर रिपीटेड ड्यूरिंग द एग्जाम. देखें अब वही वाली बात आ जाती है लक की, ठीक है, डेस्टिनी की, अल्लाह ताला की मदद की, कि आपकी किस्मत है. कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर 50% या 60% रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं 70% तक रिपीट हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 20% तक रिपीट हुआ है. मैं फिर से यही कहूंगा कि रिपीट में नहीं आपने जाना. अगर आपके सामने एक एमसीक्यू आ गया है, हर एमसीक्यू को आपने नए एमसीक्यू की तरह ही ट्रीट करना है. ये वाली हरकत बिल्कुल नहीं करनी कि जो आपको लग रहा है कि मैंने ये पढ़ा था एग्जैक्ट, मैंने यही वाला उधर ठीक कराना है. नहीं 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 नहीं, सीपीएसपी स्टेम भी चेंज करता है, सीपीएसपी ऑप्शन भी चेंज करता है, और फेल भी इसीलिए लोग होते हैं, ठीक है. एमसीक्यू रिपीट होते हैं, बेशक होते हैं, लेकिन रिपीट होने का अंदाज भी होता है, ठीक है. वो अंदाज आप समझना है, वो जब आप तैयारी करेंगे, ठीक है, उस वक्त आपको समझ लगनी शुरू होगी, या अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो उसमें आपको अंदाजा हो रहा होगा. हाउ टू फॉलो द इरेटास अवेलेबल. देखें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखें हमारी इधर जितनी भी लोकल ऑथर्स की बुक्स है ना, ठीक है, उनको कभी भी क्या कहते हैं डिस्करेज नहीं करना चाहिए. उसकी रीजन मैं बताता हूँ कि रिकॉल्स जो है ना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होता है एग्जाम में जाने से पहले आपके सामने एग्जाम आ रहा है क्लास का, ठीक है. तो अगर क्या कहते हैं आप एक बुक ले रहे हैं, ठीक है, और उस बुक में गलतियां हैं, होंगी गलतियां, ऑब्वियसली इंसान है सारे, ठीक है, जो लिख रहे हैं बुक्स भी, ठीक है, जो रिकॉल्स देते हैं वो भी इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन इरेटास भी बनते हैं. अब इरेटा को फॉलो कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है, और यही जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे. इरेटा को फॉलो करने का तरीका क्या है? इरेटा को फॉलो करने का तरीका ये है कि आपको अगर एक बुक के 10 इरेटा मिल रहे हैं ना, 10 के 10 इरेटास अप्लाई करें वहां पे, और फिर जब आप तसली ना हो रही हो कि उस एमसीक्यू का ये आंसर क्यों है, ये इरेटा में उसने ये क्यों दिया हुआ है और ये असल में क्यों नहीं है, तो फिर डिस्कस करें. डिस्कस डिस्कस एंड डिस्कस. टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिए हमने, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए. टेलीग्राम ग्रुप बनाने का ये फायदा है कि उसमें ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो ग्रुप है, ठीक है. उस पर आप एमसीक्यूज पोस्ट करें, हमारे मेंटर्स अवेलेबल हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे ये आंसर इसका क्यों है, ये आंसर क्यों नहीं है, ठीक है. और यही जो चीज है ना, यही मैटर करवाती है कि आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं. इरेटा का मतलब होता है कि एक बुक आपके पास आई है, ठीक है, उसमें गलतियां थी, तो ऑथर ने उसके बाद वो कुछ जो लोग एक्टिव होते हैं उन दिनों में उनके साथ मिलके एक गलतियों वाली एक फाइल बना दी है कि ये उसमें गलतियां थी तो ये आप ठीक कर रहे हैं उस बुक में, ठीक है. तो ये इरेटा होता है. समझ लगी आपको? व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो लिंक्स है ना, ठीक है, बल्कि वो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें. व्हाट्सएप पे इसमें यही इशू होता है ना, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में आपके 256 कैंडिडेट्स जो है वो आ सकते हैं, ठीक है. उसके अंदर टेलीग्राम पे आप 2 लाख कैंडिडेट्स रख सकती हैं एक ग्रुप पे, तो वो एक कॉमन ग्रुप ज्यादा अच्छा है. एमसीक्यू पे अलग अलग मार्क्स होते हैं, कुछ पे ज्यादा अच्छा. ये भी देखिए, ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज है. वही मैं कह रहा हूँ ना कि सीपीएसपी से पूछते हैं तो सीपीएसपी यही कहता है कि एमसीक्यूज जो है उनकी इक्वल मार्किंग है और आपने 150 सीधे सीधे एमसीक्यूज ठीक करने हैं 200 में से. तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी आप तैयारी पूरी रखिए. अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं होते. वेयर डू यू फाइंड द इरेटास? अच्छा, इरेटास जो है बेसिकली हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे. ग्रुप्स में है डिफरेंट, ठीक है, अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया. चले आगे.
जी, सितंबर कोर्स है, मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स आगे। अच्छा, कैन वन पास बाय डूइंग ओनली द पास पेपर्स? अब देखें, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो 15 दिन तैयारी की थी और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। वो 15 दिन की तैयारी के पीछे जो इतना बैकग्राउंड नॉलेज इकट्ठा हुआ होता है पिछले 5 सालों का, वो भी तो मैटर कर रहा है ना। ठीक है, तो आपने कभी इस चीज पे नहीं जाना। उस बंदे का बैकग्राउंड नॉलेज फिर स्ट्रांग होगा अगर उसने 15 दिन में पास किया। करते हैं पास, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड नॉलेज फिर उसमें स्ट्रांग होगा। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अकेले पास पेपर पढ़ के कोई भी पास नहीं कर सकते एफसीबीएस पार्ट वन। करता है तो वही वाली बात है कि अल्लाह ताला का कोई खसूसी करम है उस बंदे पे कि उसने पास कर लिया, वरना हर बंदा सिर्फ पास पेपर करके पास नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए आपने अपनी थ्योरी भी स्ट्रांग रखनी है और साथ ही साथ आपने अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रांग रखने हैं। ठीक है, और प्रॉपर टेक्निक फॉलो करनी है। इरफान भाई, मैं आपको अभी मतलब हमारा कोर्स शुरू हो रहा है ना सितंबर वाला, ठीक है, 3 जून से, तो उसमें बेसिकली हम लोग आपको बेसिक से ही स्टार्ट करवाएंगे, तो वो आपका जो है इशू कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। हमारे से ऑलरेडी हमारी वर्कशॉप हो रही है ऑर्गन सिस्टम्स की, तो उसमें काफी लोग हैं ऐसे जो कि पुराने ग्रेजुएट्स हैं और अल्लाह का शुक्र है वो बहुत सेटिस्फाइड है इस चीज से। अच्छा, बुक्स रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको यही कहूंगा कि देखें, मल्टीपल लोग हैं जो आपको मल्टीपल राय देंगे। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आपने किसको फॉलो करना है। ठीक है, मैं सच्ची जो बात है, मैं समझता हूँ कि जो मशवरा है ना, ठीक है, वो एक इमानत है। ठीक है, तो वो आपको उस लिहाज से आगे प्रोपोगेट करनी चाहिए चीज जो कि उस बंदे के लिए बेस्ट है। आप वही करो जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट होगा उस सिचुएशन में। ठीक है, तो मैं तो हमेशा यही चीज बताऊंगा कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। मेरे लिहाज से तो ये आपके सामने है, जेनेरिक तैयारी के लिए यही किताबें हैं। बाकी गाइडलाइंस जो हैं गाइनी की, रेडियोलॉजी की, इस तरह की सारी गाइडलाइंस जो हैं वो अपलोडेड हैं, वो आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मेरे लिहाज से यही बुक्स हैं। थेरी में आपकी बीआरएस फिजियोलॉजी आती है, बीआरएस पैथोलॉजी आती है, यूएसएमएल स्टेप वन की फर्स्ट एड आपकी मेजर बुक है, स्नेल्स का एनाटॉमी रिव्यू ज्यादातर यही यूज हो रहा है। ठीक है, और कैप्लान की न्यूरो एनाटॉमी है और हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी है, थेरी की यही बुक्स हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, तरीकेकार क्या है, वो मैं आपको आगे डिटेल बता देता हूँ थोड़ी बहुत। ठीक है, एमसीक्यू बुक्स जो है उसमें आपके पास तो सबसे ऊपर मैं तो एफसीपीएस मेट को ही रैंक करूंगा, क्योंकि एक तो क्या कहते हैं, मैंने ये खुद लिखी थी, तो मैंने बेसिकली इसमें, ठीक है, आपकी जितनी भी बुक्स हैं ऑल ओवर द मार्केट जब तक मैंने अटेम्प्ट दी थी, इसमें सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है इस तरीके से कि जिस तरह आपकी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हो। ठीक है, टॉपिक वाइज भी। ठीक है, दूसरी बुक हो गई आपकी राबिया अली, फिर एसके का मेडिसिन का वॉल्यूम आता है, सर्जरी और रेडियोलॉजी का वॉल्यूम आता है, एसके गोल्डन 9 और पेपर्स ऑफ द लेटेस्ट अटेम्प्ट जो कि अभी फेब्रुअरी अटेम्प्ट हुई है, तो उसके पेपर्स होंगे। ठीक है, अब ये आप इस वाली स्क्रीन की तस्वीर खींच लें। ठीक है, ये वाली जो स्क्रीन है, ठीक है, ये जो बुक्स हैं ये सब सबके लिए हैं, जेनेरिक बुक्स हैं सबके लिए, सब ने ये पढ़नी है। बाकी जो डिफरेंट इट्सी बिट्सी चीजें होती हैं हर स्पेशलिटी की, वो एक अलहदा क्या कहते हैं आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इवन डेंटिस्ट्री के लिए भी तकरीबन यही बुक्स है। ठीक है, डेंटिस्ट्री की भी गाइडलाइन हमने कल अपलोड की है, कल उसका ग्रुप भी बनाया है, तो डेंटल स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी डेंटल स्टूडेंट्स के लिए है। एसके जो है ना सलाउद्दीन कमाल भाई हैं, हमारे सीनियर ही हैं। ठीक है, तो उनकी बुक्स है, ठीक है, वो एसके के नाम से मशहूर है बुक्स। ठीक है, ऑथर का नाम है ना, अगर एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट एड से पढ़े तो इनफ है। नहीं, देखिए एम्ब्रियोलॉजी, देखिए अब वही वाली बात आ जाती है, अगर वो रिपीट कर दे चीजें तो फर्स्ट एड वाली और पास्ट पेपर कवर कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कि आपको जो है ना हर चीज के लिए तैयार होके जाना चाहिए ताकि फेलियर का सामना ना करना पड़े। डेंटिस्ट्री का ग्रुप फेसबुक पे है, ये आप सबने ना क्या कहते हैं इनबॉक्स करना है, जिनको अगर कोई और क्वेरीज रह जाती है ना, ठीक है, तो आपने सीधा सीधा इनबॉक्स करना है हमारे जो स्टडी मेट का पेज है उस पे। ठीक है, नहीं रफीउल्लाह मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं एसके करता हूँ क्योंकि मैंने खुद एसके पढ़ी हुई है
और इसकी बहुत अच्छी बुक है इस मामले में। नहीं, रफीउल्लाह मैं नहीं सजेस्ट करता। आसिम शुएब जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट्री की और गायनी की जो है ना वो रिकमेंडेड है मेरे हिसाब से। बाकी आपके जो मेंटर्स हैं उन्होंने भी यही मुझे बताया है कि डेंटिस्ट्री में आसिम शुएब बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी गायनी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आसिम शुएब। कोई और क्वेश्चन है बुक्स के तो पूछ लें, ये वाला टॉपिक इधर ही रैप अप करते हैं। सर्जरी के लिए तो एग्जैक्ट यही बुक्स है, कोई फर्क नहीं है। सर्जरी, रेडियोलॉजी, मेडिसिन के लिए यही किताबें हैं, कोई फर्क नहीं है। तनवीर नोट्स नहीं पढ़ने की जरूरत आपको, अगर आप FCBS मेड पढ़ रहे हैं तनवीर नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। जी एस के बुक फॉर्म में है, एक मेडिसिन का वॉल्यूम है जिसमें गोल्डन 128 है, एक सर्जरी का वॉल्यूम है और रेडियो का जिसमें गोल्डन 128 है। न्यूरो जो है ना वो न्यूरो डिपेंड करती है। अब मेरे पेपर में न्यूरो आई थी 15%, ठीक है, हो सकता है एक पेपर ऐसा भी आया था कि न्यूरो 40% तक आई थी, ठीक है 50% तक भी आई हुई है, तो न्यूरो स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑफ्थल्मोलॉजी की भी मेन यही बुक्स हैं, बाकी गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर देंगे। नहीं नहीं सारे वर्जन लेने हैं, सिर्फ गोल्डन 9 वाली नहीं लेनी आपने इसके। डॉक्टर आरा फॉर डेंटिस्ट्री, सॉरी ये मैं समझ नहीं सका, थोड़ा क्लैरिफाई करें इसे। वे टू गेट दीज बुक्स इन लॉकडाउन, अच्छा लॉकडाउन के लिए आप जुबैर बुक डिपो का नंबर आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गायनी के लिए जी एस के पिंक के नाम से आती है, वो लेनी पड़ेगी आपको। एस के पिंक, आसिम एंड शुएब, एस के सर्जरी और एस के मेडिसिन, ये चार MCQs की बुक्स हो जाएंगी और FCBS में एक साथ। एस के पिंक जी अलहदा बुक है। नहीं, पैथोलॉजी जो आपने पढ़नी है वो पढ़नी है आपने बेसिकली फर्स्ट एड से है। BRS पैथोलॉजी सिर्फ आपकी है जनरल पैथोलॉजी के लिए। वॉट MCQ बुक्स फॉर गायनी, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आसिम एंड शुएब आ जाती है, एस के पिंक आ जाती है और बाकी ये मेडिसिन सर्जरी वाली बुक्स आ जाती है। ऑल्टरनेट फॉर BRS फिजियो, नहीं 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 ऑल्टरनेट कोई भी नहीं है BRS फिजियो का। BRS फिजियो बहुत अच्छी बुक है, इसको समझना आपको आना चाहिए। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको समझा भी देंगे। रेडियो के लिए नहीं, प्रिंट्स बुक पे नहीं अवेलेबल, आपको जुबैर बुक डिपो पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा सभी फॉर FCBS मीट। ब्लड इज नॉट देयर इन BRS फिजियो, जी ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको किसी ऑथेंटिक पैथो के मेंटोर से ना एग्जैक्ट पूछ के बताऊंगा कि ब्लड आपने कहाँ से करना चाहिए आपको, ठीक है, मुझे आपने याद करवाना है सिर्फ। नहीं, एसके वॉल्यूम 1, 2, 3 अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, ठीक है, एसके वॉल्यूम 1, 2, 3 ऑब्सोलीट हो गए हैं। सीरी बुक्स की एक पोस्ट करने डिटेल से, जी ये देखिए ना स्पेशलिटी वाइज गाइडलाइंस पोस्टेड है। जो जल्द मैं आपको FCBS वन हेल्प के नाम से एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें पोस्टेड है। नहीं मैं रिकमेंड नहीं करता आसिम एंड शुएब सर्जरी के लिए, सर्जरी के लिए, गायनी और डेंटिस्ट्री के लिए तो मैं कर रहा हूँ रिकमेंड। ये मैं आगे डिटेल्स बताता हूँ आपको, ये कोई एनोटेट कर रहा है प्लीज एनोटेट ना करें। जी ये देखें, ये डॉक्टर ईशा ने आपको आंसर किया है डेंटिस्ट्री के बारे में, ये हमारी मेंटोर है फॉर डेंटिस्ट्री। चलिए आगे, अब अप्रोच कैसे करना है, आपने अप्रोच इसको किस तरीके से करना है कि आपने पहले करनी है ऑर्गन सिस्टम्स, फिर आपने करनी है एनाटॉमी और फिर करनी है माइनर्स। ये तो एक जनरल पैटर्न है जिस तरह आपने चलना है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा स्केड्यूल होगा वो जरा मिक्स एंड मैच वाला होगा जो हम पढ़ाएंगे, ताकि आप पे बर्डन ना हो। लेकिन अगर आप खुद अकेले से तैयारी कर रहे हैं और अगर आप उसको मिक्स एंड मैच करके चलते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आप कुछ स्किप कर जाएं या किसी चीज़ पे आप प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट ना कर सके, क्योंकि हमें तो पता है एग्जैक्टली हमने आपको किस तरह लेके चलना है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेंड है वो यही है कि पहले आपने ऑर्गन सिस्टम्स करने हैं, फिर आपने एनाटॉमी करनी है और फिर आपने माइनर्स, और उसके बाद आपने अपनी स्पेशलिटी की डिफरेंट चीज़ें। एक मिनट सर, मैं एक मिनट सर ब्रेक ले रहा हूँ प्लीज।
अच्छा, फिर से दोबारा से कि पहले ऑर्गन सिस्टम्स, फिर एनाटॉमी, फिर माइनर्स और फिर स्पेशलिटी की अपनी जो चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये गाइडलाइंस आपने याद करवाना है या हमारा एफसीपीएस पार्ट वन हेल्प वाला ग्रुप ज्वाइन कर लें या स्टडी मेट के ऊपर मैसेज कर दें, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग। एक मुझे ये समझ नहीं आ, हाँ हो गया रिमूव, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि व्हाट द स्टडी मेट एंड मेट एग्जाम एक्सपर्ट इज ऑफरिंग। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, पहले तो आपको थोड़ा सा इसकी मैं बताता चलूँ कि मेट एग्जाम एक्सपर्ट है क्या। मेट एग्जाम एक्सपर्ट जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि MRCOG और MRCPI की तैयारी करवा रही है फॉर द पास्ट 4 to 5 years। ठीक है, तो बेसिकली जब 4 5 साल से इन्हें पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एग्जैक्ट हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको एक्सेस दिया जाएगा, जो ग्लिच फ्री है, लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम की हमारी वर्कशॉप चल रही है और लोग, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सेटिस्फाइड हैं इस चीज से। ठीक है, और स्टडी मेट एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैं रन कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। उससे पहले मैं मेडकॉम के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, मेड हेल्पर के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने कॉलेज लाइफ में भी अपने जूनियर्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में रहा हूँ। स्टडीज के लिहाज से मैं उनको बताता रहा हूँ कि थ्रू आउट उन्होंने करना क्या है, और ये लॉन्च करने की रीजन भी यही थी, कोर्स, ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल्स, प्रॉपर टेक्निक स्टडी दी जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाए और कॉन्सेप्ट और रूट लर्निंग को साइड बाय साइड लेके आपको एग्जाम पास करवाया जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि और फ्रस्ट्रेशन बढ़े हमारी आवाम में। 10 to 15% तो ऑलरेडी सिर्फ पासिंग रेट है, तो इसको हमने इंक्रीज करना है, और वो इंक्रीज तभी होगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, और तैयारी तब अच्छी होगी अगर आप प्रॉपर तरीके से अप्रोच सीखेंगे इस एग्जाम को। ठीक है, तो हम अब एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सितंबर के लिए। ठीक है, सितंबर के लिए कोर्स जो शुरू हो रहा है वो 3 जून से हो रहा है। ऑलरेडी हमारा जो अप्रैल अटेम्प्ट थी जो डिले हो गई, उसके लिए ऑर्गन सिस्टम की वर्कशॉप चल रही है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन अब क्लोज है। अब सितंबर अटेम्प्ट के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 जून। ठीक है, 3 जून से शुरू हो रहा है। 3 month ऑनलाइन कोर्स है जो कि सितंबर के लिए हो रहा है। किन किन स्पेशलिटीज में हम तैयारी करवा रहे हैं? मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, गाइनी, ऑफ्थल्मोलॉजी, ENT एंड डेंटिस्ट्री, ये 7 स्पेशलिटीज हैं जिसमें हम तैयारी करवा रहे हैं। बाकी अगर आप देखते हैं ना, पैथोलॉजी हो गई, एनेस्थीजिया हो गई, ठीक है, या इस तरह की और छोटी फील्ड्स हो गई, ठीक है, तो उसमें भी कम्युनिटी मेडिसिन हो गई, ठीक है, इन सब चीजों में भी साइकेट्री हो गई। तैयारी आपकी जेनेरिक तैयारी यही होती है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने जेनेरिक तैयारी करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है, जो आपको खुद से कवर करना पड़ेगा वो 15 से 20 दिनों में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब कोर्स फॉर्मेट में क्या है? रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स फॉर्मेट में क्या है? एक तो हम डिस्कस करेंगे बेसिक टॉपिक्स जो टेस्ट हो रही है एफसीपीएस पार्ट वन एग्जाम में। आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो थ्रू आउट द डे अवेलेबल होंगे, पूरा दिन 24/7 एक्सेस होगा आपके पास उन लेक्चर्स का, जब मर्जी देखें अपनी ड्यूटी टाइमिंग के लिहाज से और जिस मर्जी लिहाज से। ठीक है, लाइव सेशंस भी बीच में होंगे, और लाइव सेशन अगर आपका मिस हो जाता है तो भी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि लाइव सेशन जो है वो भी जो सब्सक्राइबर्स होंगे हमारे उनको अलहदा से दे दिया जाएगा, उसी वेबसाइट पे अपलोड होगा जैसे बाकी लेक्चर्स होंगे। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट गोल्डन फाइल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एंड पे मॉक एग्जाम भी रखेंगे। हमें कुछ सजेशंस आई हैं कि अहमद भाई आप जो है हर महीने बाद भी एक ब्रांड टेस्ट रख लें, वो भी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन उसका हम प्रोमिस नहीं कर रहे, लेकिन वो भी अंडर कंसिडरेशन है कि वो भी शायद हम रख लें। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट होंगे टू असेस योर नॉलेज। ठीक है, स्टडी गाइडलाइंस और स्टडी प्लान्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एक्सेस दिया जाएगा टू अ प्राइवेट फेसबुक स्टडी ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी बन सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन सकते हैं, जैसे आप लोगों की ईज के मुताबिक हो, और 24 आवर्स जो है हमारे मेंटोर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपकी बाकी चीज़ों के लिए मैं, डॉक्टर हुमा, डॉक्टर नमाद होंगे, बाकी आपके जो स्पेशलिटी स्पेसिफिक मेंटोर्स हैं, डॉक्टर ईशा डेंटिस्ट्री में आ जाती हैं, डॉक्टर सैरिश गायनेकोलॉजी में आ जाती हैं, डॉक्टर अली आ जाते हैं आपके आई के लिए, और डॉक्टर मोविज आ जाते हैं आपके ENT के लिए। तो ये सब भी अवेलेबल होंगे, 24/7 एक्सेस है ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड टेलीग्राम,
डिपेंड करता है कि आपका पूरा बैच जो है वो इधर यूनानिमसली अग्री करता है आने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको साथ साथ, आप लोग एमसीक्यू डिस्कस कर सकते हैं, आपको प्लान दिया जाएगा कि जी आज इतनी किताब यहाँ से करनी है, इतनी किताब यहाँ से करनी है, ठीक है। और वन ऑन वन एक्सेस होगा मेंटर्स के लिए, या आप अभी भी पूछ सकते हैं जो हमारे वर्कशॉप वाले कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त ले रहे हैं वर्कशॉप, ठीक है, कि उनको किस तरीके से डील किया जा रहा है, ठीक है, उनके सारी क्वेरीज को आंसर किया जाता है। अगर कोई क्वेरी इस तरह की है कि जो इमीडिएटली आंसर नहीं होती तो थोड़ा सा डिले के बाद भी उनको क्लैरिटी के साथ, रेफरेंस के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिलीवर किया जाती है चीज। मल्टीपल टेस्ट से मुराद ये है कि आपके डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल एक महीने का आपका कोर्स हो गया ना, ठीक है, तो एक महीने के कोर्स में जो चीजें कवर होंगी उसके बाद हम एक मॉक ले लेंगे 50 एमसीक्यूज का फर्ज करें, ठीक है। ये मुझे भी नहीं समझ आ रही मार्किंग क्यों हो रही है, ये कोई कर रहा है समझ से बाहर है मेरे लिए। मेट एग्जाम एक्सपर्ट टीम काइंडली इसको देखें, रिव्यू करें अगर ये रिमूव हो सकती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो हमारा कोर्स है, ठीक है, चीफ मेंटर मैं हूँ डॉक्टर रमेश सिंह, ठीक है, हमारे चीफ एडवाइजर हैं डॉक्टर सलाउद्दीन कमाल, ठीक है, और डॉक्टर सलाउद्दीन कमाल जो हैं ये वही हैं, इन्होंने बेसिकली को मतलब कि आप कह लें कि फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं जो FCPS 2005 से 10 वाला ग्रुप था, सारी डिस्कशंस इन्होंने करवाई हुई हैं, इनको पता है इंस एंड आउट्स ऑफ द FCPS पार्ट वन एग्जाम, ये अच्छे तरीके से जानते हैं इस एग्जाम को, ठीक है। तो हम लोग कोई भी अगर आगे स्टेप लेते हैं, ठीक है, अपने कोर्सेज में, ठीक है, जो हमने गाइडलाइंस बनानी होती हैं, ठीक है, उसमें डॉक्टर सलाउद्दीन कमाल की इनपुट शामिल होती है। साथ ही साथ हमारी FCPS पार्ट टू की जो फैकल्टी है माशाल्लाह, मेडिसिन एक्सपर्ट की डॉक्टर जमान है, डॉक्टर साइम है आई के, डॉक्टर जुनेद है पी में, ठीक है, तो और डॉक्टर अब्दुल बासित हैं जो PGR हैं इस टाइम पे जिना हॉस्पिटल में, ठीक है, तो इनका भी इनपुट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो आपके इमीडिएट सीनियर्स होते हैं वो आपको पढ़ा अच्छा सकते हैं, गाइड अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो आपके थोड़े से डिस्टेंट सीनियर्स होते हैं उनको एग्जाम की डिटेल्स और प्रैक्टिकलिटीज पता होती है। तो हमारा काम ये है कि हमने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकलिटीज भी बतानी है और साथ ही साथ आपको ये चीज भी डिलीवर करनी है कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना भी आए। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकलिटीज आती होंगी, एग्जाम अटेम्प्ट करना नहीं आएगा, तो सब कुछ जो है वो वेस्ट है। अगर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना आता है, ठीक है, आपको MCQs आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको टेक्निकलिटीज नहीं पता कि आपने अप्रोच किस तरीके से करना है, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमने, हमारी जो टीम है पढ़ाने वाली यंग है लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ FCPS पार्ट टू मेंटर्स, ठीक है, जो कि बहुत अडेप्ट है अपनी फील्ड में माशाल्लाह और बहुत एस्टेब्लिश्ड है। बाकी आप लेक्चर्स जो है इस टाइम पे ले रहे हैं, लेक्चर्स हमारे ऑर्गन सिस्टम के कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप उनसे इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कोर्स है हमारा सितंबर अटैम्प के लिए शुरू होगा 3rd June से और एंड डेट है 30th August। एक और चीज़ मैं बार बार बताना चाहूँगा कि हमारे मेंटर्स में फिर आ जाता है डॉक्टर हमाद याद आ जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर हुमा महमूद मुगल आ जाती हैं, रेडियो में इन्होंने किए हुए डॉक्टर सैरिश नदीन है गायनोकोलॉजी और ऑल्स में, ये इस टाइम में माशाल्लाह PGRN होली फैमिली हॉस्पिटल, डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद हैं, इन्होंने भी अभी रिसेंटली आई में एग्जाम क्लियर किया है और इनके अपने नोट्स जो हैं डॉक्टर फरियाल के साथ इन्होंने मिलकर लिखे हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी, जो कि ऑप्थल्मोलॉजी के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। डॉक्टर मोवेज़ हैं, डॉक्टर मोवेज़ खुद जो है, ठीक है, बहुत अडेप्ट अपनी फील्ड में माशाल्लाह, ठीक है, और डॉक्टर ईशा एजाज खुद जो है वो बड़ी अच्छी स्टूडेंट रही है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, और FCPS पार्ट वन इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आके ज्वाइन करें, क्योंकि हम पता है कि डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पर, ठीक है, इसीलिए हमने डेंटिस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि बुक्स उनको वही पढ़नी पड़ती है जो MBBS वाले पढ़ते हैं, और मसला ये होता है कि वो पूरी पूरी बुक्स पढ़ के जा रहे होते हैं और आगे एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं हो रही होती, इसलिए हमने डेंटिस्ट्री का कोर्स अलग से शुरू किया, ठीक है। 3 June से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह कोर्स हमारा, तो ये फी स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, फी स्ट्रक्चर आप एक दफा देख लें, तस्वीर खींचने अगर आपने खींचनी है, अगर आप जेनेरिक प्रेप के लिए भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं
तो हम आपको मेडिसिन सर्जरी गायनोकोलॉजी और रेडियोलॉजी वाले फीस स्ट्रक्चर में ही लेंगे। जी ईएनटी एंड आई का अलग होता है। मेरे ख्याल से तहरीम आप शायद अभी आई हैं, ज्वाइन किया है ना, तो शुरू में मैंने ये डिस्कस किया है, इसकी रिकॉर्डिंग आपने देखनी है शुरू से। डॉक्टर जमान इज अ कंसल्टेंट, ठीक है, डॉक्टर जुनेद इज द कंसल्टेंट, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, तो आप साइन अप करें। तो ये है नोटिफिकेशन फॉर सितंबर 2020 एग्जाम जो कि सीपीएसई ने किया है, ठीक है। तो अब बेसिकली आप इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है ना, वो ये है कि इसमें आपको डेट्स पता होनी चाहिए। जो पहली डेट है वो 14th जुलाई है, लास्ट डेट, और फ्रेश या रिपीटर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, अप्लाई कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और इसके बारे में कहीं गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने इस लेक्चर के अंदर ही एंड पे ये एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो इंक्लूड की है। एप्लीकेशन कैसे करनी है, आपने सीपीएसई वेबसाइट पे जाना है, cpsp.edu.pk पे, ठीक है, और आपने डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और अप्लाई ऑनलाइन पे, एग्जामिनेशन फॉर्म सेलेक्ट करने हैं, और अल्टीमेटली आपको वो एक नए पेज, नई विंडो पे ले जाएगा। फी मूसा भाई पीछे मैं बता चुका हूँ। ये फीस स्ट्रक्चर है, या बाद में भी जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, और वो नई आपको विंडो में खुलेगा। अब जो नई विंडो खुलेगी, ठीक है, उसमें आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर पार्ट वन क्लिक करना है, ठीक है, उस वो पर एक और नई विंडो खुलेगी, उसके अंदर आपने अप्लाई शुरू करना है, ठीक है। अब एफसीपीएस पार्ट वन के एग्जाम की एप्लीकेशन जो है उसके दो स्टेप्स होते हैं, स्टेप वन एंड स्टेप टू। स्टेप वन में क्या करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करनी है, फ्रेश या रिपीटर, जो फ्रेश होंगे, ठीक है, उन्होंने अपना पीएमडीसी नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है, और रिपीटर जो है, ठीक है, उसने अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म होगा उसके बाद, ठीक है, और वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा ईमेल पे, ठीक है। ईमेल को आपने ओपन करना है, वेरिफिकेशन कोड को कॉपी करना है, और फॉर्म के अंदर वो पुट करेंगे तो आपको वो कंप्लीट फॉर्म की तरफ ले जाएगा, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म की तरफ जब ले जाएगा तो आपने उस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर्म फिल करते वक्त कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत मसला बन जाता है बाद में, ठीक है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपने किस स्पेशलिटी के लिए अप्लाई करना है, किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, किस जगह पे आपने जो है वो एग्जाम देना है, ठीक है। सेंटर आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर इन फील्ड्स में कोई मसला आ जाता है तो बाद में काफी मुश्किल हो जाती है उसको चेंज करवाने के लिए। जब आपने फॉर्म जो है वो फिल कर लिया, ठीक है, तो आपकी आपके पास एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी विद द फॉर्म नंबर आपकी ईमेल में, ठीक है, और वही वाली जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो आपने सेव करके रख लेनी है। मोबाइल में सेव नहीं करनी, अलग कंप्यूटर में सेव करके, मोबाइल से उड़ सकती है, और अगर आपसे ईमेल डिलीट हो गई तो शायद आपके लिए इशू बन जाए, इसीलिए उसकी पीडीएफ आपने सही संभाल के रखनी है। अब स्टेप टू में क्या है, स्टेप टू में जाने से पहले आपने फीस जमा करवानी है। फीस जो है कितनी है एग्जाम की, एग्जाम की फीस है 15,050 रुपीज, ठीक है। फॉर्म के अंदर एक चलान फॉर्म होता है जो आपने डिपॉजिट कराना है इन एसोसिएटेड सीपीएसई बैंक, ठीक है, या सीपीएसई रीजनल ऑफिस में, ठीक है, या फिर आप एक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं सीपीएसई के नाम फ्रॉम एनी बैंक, किसी भी बैंक से बनवा दें, ठीक है। या फिर तीसरी ऑप्शन क्या होती है कि आप डिपॉजिट करेंगे ऑनलाइन फीस वाया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तीन तरीके हैं फीस सबमिट करवाने के, और एग्जाम की फीस है 15,050,
ये तब है अगर आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ी, आपने उस प्रिस्क्राइब डेट के अंदर अप्लाई किया है। बाकी जो चेंजेस होती है कि अगर आप उस डेट के अंदर अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो डिफरेंट है कि उसके बाद आपको कितना जो है वो फाइन पड़ेगा या कितने एक्स्ट्रा आपको अमाउंट पे करके अप्लाई करना पड़ेगा, वो उस नोटिफिकेशन में कंप्लीटली क्लियरली वाजे है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। डॉक्यूमेंट्स तो आपको सबको पता है कि एमबीबीएस की बीडीएस की डिग्री चाहिए होती है या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है मेडिकल कॉलेज से, अगर डिग्री है तो वही चाहिए होती है। ठीक है, पीएमडीसी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पीएमडीसी का सर्टिफिकेट भी कौन से वाला, के वो वाला जो कि आपका परमानेंट है। ठीक है, अगर आपका प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल अगर आप अपलोड करते हो तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन लग के आएगी जो कि आपने बाद में उसको एड्रेस करना है और आपने अपना परमानेंट वाला अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ वन ईयर हाउस जॉब चाहिए होगा आपको। ठीक है, ओरिजिनल अटेस्टेड फोटो या अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज सीएनआईसी। ठीक है, एविडेंस ऑफ हैविंग पेड एग्जामिनेशन फी, चलान फॉर्म या बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, मैं जो सजेस्ट करूंगा, ठीक है, जो मैंने भी किया था कि मैंने भी जल्दी में पहले अटेस्ट करवा लिए थे, लोगों के पीछे फिर करके अटेस्ट करवाने पड़ते हैं, जाहिर बात है वो बहुत बड़ी हैसल होती है। ठीक है, लेकिन आप जो एक और आसान काम कर सकते हैं ना, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। स्कैन अच्छी क्वालिटी का करवाएं, स्कैनर से, मोबाइल से नहीं, स्कैनर से अच्छी क्वालिटी में स्कैन करें और वो अपलोड करें। ठीक है, तो आपको अटेस्टेशन वाले ड्रामे से आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी आप सोचते हैं कि आपने अटेस्ट करवाने, तो अटेस्ट किससे करवाने, ये भी एक बहुत बड़ी हेडेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग गलत लोगों से अटेस्ट करवा लेते हैं और बाद में फिर ऑब्जेक्शन लग के आ जाती है। आपने अटेस्ट करवाने किसी एसआर से, एसआर जो है उसके एफसीपीएस पार्ट 2 क्लियर होते हैं, तो उसके पास एक फेलोशिप नंबर होता है, वो फेलोशिप नंबर आपने उस पर लिखवाना है, स्टैंप लगवानी है, स्टैंप में क्लियरली सब कुछ नजर आ रहा हो, ठीक है, साइन भी क्लियरली नजर आ रहे हो। ठीक है, या आप प्रिंसिपल या प्रोफेसर ऑफ टीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज से आप करवाएंगे। ठीक है, या फिर आप एमएस या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से करवाएंगे। ठीक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने डॉक्यूमेंट्स किससे अटेस्ट करवानी है। आप किसी पीजी से डॉक्यूमेंट नहीं अटेस्ट करवा सकते। ठीक है, क्या चीज एक्सप्लेन करनी है मूसा? पीजी से नहीं करवाने आपने, पीजी के पास तो एफसीपीएस पार्ट 2 क्लियर नहीं ना होता, तो उसके पास फेलोशिप नंबर नहीं होता। फेलोशिप नंबर सिर्फ और सिर्फ होगा जो कि एसआर है कम से कम। क्लियर हो गया, आगे चलूं? अब आए आप स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपने फॉर्म नंबर डालने हैं, ठीक है, जो जनरेट हुआ था और वेरिफिकेशन कोड जनरेट हुआ था स्टेप 1 में। सारी डॉक्यूमेंट्स जो है, जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपने सबमिट करनी है। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि एक दफा आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। उस कंफर्मेशन ईमेल के एंड पे आपका ई पोर्टल का एड्रेस होगा। ई पोर्टल है जैसे वेबसाइट होती है सीबीएसई की, उनका एक ई पोर्टल है, उस पर आप जाओगे, अपना यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे और आप अपने ई पोर्टल को एक्सेस कर सकोगे। आपने सीपीएसपी को ईमेल करनी है नीला, अगर आपका एनरोलमेंट नंबर गुम गया। ठीक है, अच्छा, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर नाउ सबमिटेड ऑनलाइन। ठीक है, अब कोई भी चीज आपने डिपॉजिट नहीं करवाई सीपीएसपी में, सब कुछ आपको ऑनलाइन हुआ या बैंक जाके हुआ है। ठीक है, अगर आपने बैंक ड्राफ्ट बनाया है तो फिर आपने सीपीएसपी के रीजनल ऑफिस में जाके सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, वरना आपका ये वाला काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, वही वाली बात है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन और सब्जेक्ट जो है उसको गौर से चूज करना है, रीचेक करना है बार बार, स्कैन करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, फिर अगर बार बार अपना पोर्टल चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपना पोर्टल भी चेक करना है, अपनी ईमेल भी चेक करनी है बार बार, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि ऑब्जेक्शन जो है वो सिर्फ पोर्टल पे आ जाती है, कभी कभी होता है कि सिर्फ ईमेल पे आ जाती है, तो आपने दोनों चीजें जो है ना वो साइड बाय साइड चेक करते रहनी है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ गई। ठीक है, और आपने उसको एड्रेस उसी टाइम पे करना है। ई पोर्टल जो है ना वो सीबीएसई की वेबसाइट ही होती है। ठीक है, वो अलग एक पोर्टल बनाया होता है सीबीएसई ने, वेबसाइट एक अलग है इसी काम के लिए। डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं।
ऑनलाइन फी आपको उसी वक्त क्या कहते हैं इंटीमेशन आ जाती है कि आपने फी सबमिट करवाई है, ठीक है। अब वही वाली बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रोविजनल पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल हाउस जॉब सर्टिफिकेट के साथ आपने अप्लाई किया हुआ है ना, ठीक है, तो आपने अपनी पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन जो आरएमपी वाली होती है ना, ठीक है, जो परमानेंट होती है, वो अपलोड करनी है, साथ फाइनल हाउस जॉब सर्टिफिकेट करना ही करना है अपलोड, ठीक है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आपने रिस्पॉन्ड करना होता है ऑब्जेक्शन पे, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं देखी और उस टाइम फ्रेम में आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर आप एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकेंगे। रिफंड ऑफ फी तो चलेंगे आप एक दफा देख लें, ठीक है, एक स्पेसिफाइड डेट मेंशन होती है और एक स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिनकी बेस पे आप रिफंड करवा सकते हैं, वरना आप रिफंड नहीं करवा सकते फी, ठीक है। अगर आप इन एलिजिबल है
4 बज गए, लेकिन बस 5 मिनट और वेट करेंगे क्योंकि लोग अभी इंस्टॉल कर रहे हैं एप्लीकेशंस, तो